नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सरस्वती कनौजे है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संतुलित पशु आहार की। जैसा कि आप जानते हैं, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, वैसे ही एनिमल्स को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पशु आहार, संतुलित पशु आहार क्या होता है। जैसे आपको पता है, जो पशु है वह तो शाकाहारी होते हैं, और जो शाकाहारी होते हैं उन्हें सिर्फ अपने जो पशु है शाकाहारी होते हैं और उन्हें अपने न्यूट्रिशन के लिए चारे पे डिपेंड होना पड़ता है, मतलब कि वो पूरी तरह से निर्भर है चारों पे न्यूट्रिशन के लिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि संतुलित पशु आहार क्या है, जिसे हम बैलेंस राशन भी बोलते हैं। तो बैलेंस राशन एक ऐसा राशन है जिसमें कि सभी आवश्यक पोषक तत्व मिले होते हैं, जैसे कि फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल मिक्सचर, प्रोटीन, सॉल्ट, ये सारी हम लोग बराबर अनुपात, मतलब कि उचित अनुपात तथा मात्रा में मिलाते हैं बैलेंस राशन में। अब जैसे कि जो मिल्किंग एनिमल है उसमें हम उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें न्यूट्रिशन देते हैं। बैलेंस राशन को भी दो प्रकार से बांटा गया है, पहला होता है फोडर और दूसरा होता है कंसंट्रेट। अब जो फोडर है उसे हम हिंदी में चारा भी बोलते हैं, और जो कंसंट्रेट है उसे हम बोलते हैं अनाज। अब जो फोडर है उसमें जो फाइबर की मात्रा होती है वो 16% से ज़्यादा होती है, और वहीं अगर बात करें हम उसकी टोटल डाइजेस्टिबिलिटी की तो वह 60% से कम होती है। अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज में जो फाइबर रहता है उसमें वह 16% से कम होता है, और उसकी जो टोटल डाइजेस्टिबिलिटी रहती है वह 60% से कम ज़्यादा होती है। तो यही था कंसंट्रेट और फोडर। अब फोडर में भी दो प्रकार के फोडर आते हैं, एक तो होता है ड्राई फोडर और दूसरा होता है अपना ग्रीन फोडर। अब जो ड्राई फोडर है उसको अपन सूखा चारा भी बोलते हैं, और जो ग्रीन फोडर है उसे हम हरा चारा बोलते हैं। अब जो ड्राई फोडर है उसमें जो मॉइस्चर परसेंटेज रहता है वो 10% तक रहता है, और जो ग्रीन फोडर है उसमें जो मॉइस्चर परसेंटेज रहता है वह कितना रहता है, 30-60% तक रहता है। जो ड्राई फोडर है उसकी जो गुणवत्ता है वह बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं ग्रीन फोडर की, तो ग्रीन फोडर में भी दो होते हैं, एक तो लेग्यूमिनस प्लांट और एक दूसरा होते हैं नॉन लेग्यूमिनस। अब लेग्यूमिनस को हम हिंदी में फलियां बोलते हैं, और जो नॉन लेग्यूमिनस है उसको बोलते हैं अपन गैर फलीदार। अब जो फलियां हैं उसमें हम एनिमल को क्या देंगे, तो फलियां में हम लोग देंगे रिचका, बरसीम, ग्वार, और जिसमें कि प्रोटीन, जो प्रोटीन परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है, और जो उसकी पौष्टिकता रहती है वो भी ज़्यादा रहती है। वहीं अगर हम बात करें नॉन लेग्यूमिनस की, तो हम उन्हें देते हैं ज्वार, मक्का, बाजरा और हरा चारा, जिसमें कि प्रोटीन परसेंट थोड़ा कम होता है और जो उसकी पौष्टिकता भी थोड़ी कम होती है। अब ये तो हो गया फोडर के बारे में। अब बात करते हैं कंसंट्रेट, मतलब कि अनाज के बारे में। तो हम कंसंट्रेट के लिए हमें कंसंट्रेट मिक्सचर बनाना होगा, तो दाने का मिश्रण कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। अब दाने का मिश्रण बना रहे हैं तो उसमें हमें दो प्रकार, मतलब दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, पहला तो प्रोटीन होना ज़रूरी और दूसरा है एनर्जी का होना ज़रूरी। अब प्रोटीन के लिए हम जानवर को क्या खिलाएं, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रोटीन के लिए हम जानवर को क्या खिला सकते हैं। तो प्रोटीन के लिए हमें खिलाना है एक तो खली खिला सकते हैं हम लोग, जैसे सोयाबीन की खली हो गया, फिर अपनी सरसों की खली हो गई, देन सूरजमुखी की खली हो गई अपनी, फिर मूँगफली की खली, तो ये खलियाँ हम उसको खिला सकते हैं, और अपन चूनी भी खिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनर्जी की, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनर्जी को किस खाने से मिलेगी एनर्जी, तो उनका जो भोजन है, मतलब कि जो उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं उनको, उसमें दे सकते हैं हम लोग उसको गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब दे सकते हैं, और चावल की गुड़की, या फिर गेहूँ, गुड़ और मोलासेस, ये सब हम उसमें दे सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो होगा कंसंट्रेट मिक्सचर। कंसंट्रेट मिक्सचर में ये ज़रूरी है कि हम एनर्जी प्रोटीन, सॉल्ट और मिनरल मिक्सचर का ध्यान रखें, ये सब उसमें होना चाहिए उस मिक्सचर में। अब जैसे बात करते हैं कि कंसंट्रेट मिक्सचर बना रहे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पर दो बातों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कंसंट्रेट मिक्सचर में। पहला, अगर हम कंसंट्रेट मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें जो प्रोटीन का कितना परसेंटेज होना चाहिए,
तो प्रोटीन का परसेंटेज होना चाहिए 14 से 16% हमें प्रोटीन देना चाहिए। वही तो इसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 65 से लेके 68% से कम होनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात की यह ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग ले रहे हैं उसमें वह सस्ता होना चाहिए और आसानी से प्राप्त होने वाला होना चाहिए, मतलब जो आसानी से हमें मिल सकता है। जैसे कि हमने बनाया है पहला जिसमें कि खलिया जो है हमें 25 से 35% तक लेनी है। फिर आता है अनाज भी हमें 25 से 35% तक लेनी है। फिर आता है अनाज के बाय प्रोडक्ट जैसे चूनी हो गया, तो ये अपन कितने लेंगे, ये अपन लोग लेंगे इसमें इन्हें हमें लेना है 10 से 30% तक लेना है। वहीं अगर बात करें हमको विटामिन, तो विटामिन हमें 20 से 30 ग्राम तक लेना है। और जो सॉल्ट है, सॉल्ट हम ले सकते हैं इसमें अपना 2% और मिनरल मिक्सचर हमें 1% लेना है। तो इन सबको मिलाकर टोटल 100% का हमें एक कंसेंट्रेट मिक्सचर बनाना होता है जो कि एनिमल के लिए होता है, हम खिला सकते हैं कंसेंट्रेट के रूप में। अब बात करते हैं कि जो एनिमल है उन्हें अपनी बॉडी, जो उनका जो आहार है, जो पशु का आहार है, उन्हें अपने बॉडी फंक्शन के हिसाब से और वो मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी उसके हिसाब से हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास में एक गाय है जिसका वजन 450 से लेके 500 केजी तक का है और उसे आप कितना देंगे, तो उसे आप देंगे ड्राई मेटर जो देंगे आप उसे, तो उसे आप उसे प्रतिदिन ड्राई मेटर आपको देना है आपको 10 से 12 केजी में ड्राई मेटर उसको देना है। 10 से 12 केजी अब कैसे ड्राई मेटर देंगे, तो उसमें भी दो होते हैं। जैसे कि ड्राई मेटर है तो उसमें हम एक तिहाई हम लोग दे देंगे उसमें अपना रफेज कंसनट्रेट दे देंगे और 2/3 जो रहेगा अपन रफेज दे देंगे। अब रफेज में भी हम लोग क्या क्या देंगे, 50-50 के रेशियो से हम लोग ग्रीन रफेज और ड्राई रफेज दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी ये हो गया ड्राई मेटर के बारे में। अब बात करते हैं कि हमें जो एनिमल्स है, जैसे मिल्किंग एनिमल्स है, प्रेग्नेंट एनिमल्स है, या फिर एनिमल है सिर्फ, तो उन्हें राशन कितना देना है, बैलेंस राशन देना कितना है। तो हम जैसे पहले बात करते हैं कि मेंटेनेंस राशन अगर देना हमें एक काउ मतलब कि एक गाय या फिर एक भैंस को, तो एक गाय है उसको हमको मेंटेनेंस राशन देना है प्रतिदिन, तो हम देंगे उसे 1.5 किलो प्रतिदिन। और अगर भैंस है तो हम उसे देंगे 2 केजी प्रतिदिन, मतलब कि 2 किलो पर डे देंगे हम लोग। और वहीं अगर हम बात करें जो एनिमल है अगर वो मिल्किंग एनिमल से, मतलब कि जो गाय है जो दूध दे रही है हमें, और वो दूध अगर 2.5 किलो दे रही है प्रतिदिन, तो हमें जो उसे कंसंट्रेट खिलाना है वह 1 केजी खिलाना है। वहीं अगर भैंस की बात करें, उसने अगर हमें जो हमें दूध दे रही है 2 किलो पर डे हमें दूध दे रही है, तो हमें उसे खिलाना है 1 केजी कंसंट्रेट। अब बात करते हैं कि प्रेग्नेंट एनिमल में कितना देना है। अगर प्रेग्नेंट गाय है जो कि 5 महीने से ज़्यादा गाभिन है, तो उसे हमें जो कंसंट्रेट देना होगा वो हम देंगे 1 किलो। और अगर भैंस की बात करें तो उसमें 2 किलो होता है। अब ये हो गया अपना बैलेंस राशन का। अब हमारे पास में आता है पानी, कि हम पानी कितना दे सकते हैं जानवरों को, तो मतलब जो कि गाय है, जो मिल्किंग एनिमल्स वगैरह जो भी गाय है, कैटल बफेलो, तो हमें कितना देना चाहिए पशुओं को, तो हमें 30 से 40 लीटर प्रतिदिन पानी देना चाहिए एनिमल्स को। ये हो गया पूरा राशन के बारे में। धन्यवाद।